हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो गाइज़? आप सब आशा करते हैं आप सभी एकदम ठीक ठाक से होंगे। तो यहाँ पर हो रहा है, चढ़ाव होने जा रहा है। जयमाल के बाद जो रस्म होती है वो चढ़ाव की होती है, जिसमें ससुराल वाले लोग आकर के मंडप में दुल्हन को चढ़ाव चढ़ाते हैं। तो ये देख सकते हो आप, चढ़ाव वाली पूजा यहाँ पर हो रही है। तो शादी की जो सारी रस्में होती हैं ना, वो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। और मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि मैं सारी रस्में एक एक करके देखूँ। तो मैंने अपनी शादी में जो चीज़ें नहीं देखी हैं, वो मैं ट्राई करती हूँ कि अब जो भी शादियाँ पड़े उसमें मैं जगूँ पूरी रात और सारी चीज़ें देखूँ। तो देख सकते हो दुल्हन को चढ़ाव जो है वो चढ़ चुका है, और ये चीज़ें ससुराल से आई हुई हैं। तो ये आप देख सकते हो दुल्हन के ससुराल से कितनी सारी चीज़ें आई हुई हैं। और चलो आप लोग वीडियो को देखो और इन्जॉय करो। और यहाँ पर दूल्हे राजा जो है वो मंडप पे आ गए हैं। तो दूल्हे का स्वागत जो है वो मंडप पर कर दिया गया है, ससुर जी ने दूल्हे का स्वागत कर दिया है। और अभी यहाँ पर कुछ रस्में होती हैं जो कि हो रही हैं। और इसके बाद जो सबसे शादी की जो मेन रस्म होती है वो है कन्यादान की रस्म। और एक कन्यादान के बाद ही ना बेटी पराई हो जाती है, तो वो वाली रस्म होने वाली है कन्यादान की रस्म। तो आप लोगों ने बोला था ना, जब मैंने मेहंदी का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, तब आप लोगों ने बोला था कि शादी के और वीडियोस भी शेयर करिएगा। तो देख सकते हो दुल्हन भी आ गई है मंडप में, और यहाँ पर एकदम ना मेरी नंदरानी एकदम लक्ष्मी जी की तरह लग रही हैं। देख सकते हो आप कितनी सुंदर लग रही हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं, पीली साड़ी में, लाल चुनरी में, एकदम अलग ही लग रही हैं। तो आप देख सकते हो अब कन्यादान की रस्म जो है वो होने जा रही है, और सभी लोग बैठे हुए हैं। तो सब लगभग जो घर परिवार के लोग होते हैं, और यहाँ पर देख सकते हो आप मैं भी बैठी हुई हूँ बुआ लोगों के साथ, और साथ में हमारा हंसी मजाक भी हुआ जा रहा है। और यहाँ पर ये छोटी वाली बुआ थी वो बैठी हुई थी, और इधर सब मौसी लोग बैठी हुई हैं। तो सभी लोग मंडप को घेर करके बैठे हुए हैं, सबको ये रस्में देखनी है, सबको शादी इंजॉय करनी है। और इसके बाद पैपूछी की रस्म होती है, पैर पूजे जाते हैं दूल्हा दुल्हन के, तो वो भी सभी को देखना है। तो सब लोग वेट कर रहे हैं, तो आप लोग भी इस पल को इंजॉय करिए और देखिए। तो ये देख सकते हो आप कन्यादान का समय आ गया है, और यही एक वो जो पल होता है ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है किसी भी लड़की के लिए। और सोचो तो कितनी बड़ी बात होती है, कन्या का ही दान कर दिया जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, समाज की, परिवार की यही रस्में हैं, समाज की यही रीति रिवाज है। बेटी तो वैसे ही पराया धन कही जाती है। और देख सकते हो यहाँ पर भाई जो है वो जल छोड़ते हैं, और माता पिता बेटी का हाथ लेकर के जो है वो लड़के के हाथ में देते हैं। तो ये रस्म आप देख सकते हो यहाँ पर हो रही है। तो चलिए आप भी वीडियो को फुल वॉच करिए, देखिए।
और इसके बाद अब होने जा रही है पैपू जी की रस्म। उससे पहले वरण किया जाता है, जो हमारे मानदान होते हैं, जो हमारे जिनको हम लोग पूजते हैं, तो यहाँ पर भैया बैठे हुए हैं, उनकी उनका जो है वरण किया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो आप पैपू जी हो रही है। तो जो पहली पैपू जी होती है वो माता पिता करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पापा मम्मी दोनों लोग जो है वो दीदी की पैपू जी कर रहे हैं, देख सकते हो आप। और इस वीडियो को केवल मेरे व्यूवर्स नहीं, मेरे फैमिली वाले भी लोग देख रहे हैं, तो इसलिए जो है सभी लोग इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। मैं जानती हूँ कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक मिलने वाले हैं। और देख सकते हो यहाँ पर दामाद जी को टीका कर दिया गया है और पहली जो है वो पैपू जी हो चुकी है। और इसके बाद बारी बारी से सभी परिवार वाले, जितने मामा मौसी बुआ चाची, परिवार में जितने लोग होते हैं, सभी लोग आकर के पैपू जी करते हैं। और ये बहुत अच्छी रस्म है। और इसी एक दिन से ना पूरे परिवार के लोग लड़की लड़का के पैर छूते हैं, तभी से हमारे मानदान हो जाते हैं। तो आज जो घर के दामाद है वो हमारे मानदान हो गए। आज से बेटी दामाद जो है वो मानदान हो जाते हैं और उनके हमेशा पैर छुए जाते हैं और उन्हें हमेशा सम्मान दिया जाता है। तो देख सकते हो ये सारी रस्में हो रही हैं। तो चलो आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। पर अब जो है वो पैपू जी करने की बारी आ गई है भैया और भाभी की, यानी मैं हूँ और ये हैं। और अब हम लोग पैपू जी करने जा रहे हैं और हम लोगों को ना इतनी खुशी लग रही है, उतने खुश ये भी हैं और उतने ही खुश मैं भी हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक्साइटमेंट भी होता है हर चीज़ का। और मुझे तो ना बहुत ही ज़्यादा है, मुझे मेरी शादी याद आ रही है कि मेरी शादी में जब मेरी मामी लोग ना बार बार यही बोल रही थी कि हम अपने हस्बैंड के साथ जब पैपू जी करने जाएंगे तभी तो हमें लोग जानेंगे, तो पति से ही पहचान होती है। तो मैं भी खुश हूँ कि मैं इनके साथ पैपू जी करने आई हूँ, तो जो लोग मुझे नहीं जान रहे होंगे वो लोग भी मुझे जान जाएंगे। शादी को इतना ज़्यादा इंजॉय किया कि पूरी रात जगे थे। और उसी दिन की ही बात नहीं है, कई रातों से हम लोग जग रहे थे। इतना डेली का डांस गाना, दो दो बजे रात तक हम लोग जगते थे।
फंक्शन को एंजॉय करते थे, लेकिन फिर भी किसी के चेहरे पे कोई थकान नहीं है। और मुझे आज भी याद है जिस दिन विदाई हो गई उसके बाद जो थक करके नींद आ रही थी, और मेरे साथ तो इतनी इमरजेंसी पड़ गई कि जिस दिन दीदी की विदाई हुई उसी दिन मेरे चाचा जी के जो बेटे हैं उसके मतलब मेरा जो भाई है, मेरा कज़िन है, उसकी भी तिलक पड़ गई थी, तो हमें वहाँ भी जाना पड़ा विदाई के बाद। वैसे हिम्मत नहीं कर रही थी, बट फैमिली फंक्शन जो होते हैं वो आप नहीं छोड़ सकते हो, उसको तो आपको करना ही करना है, तो हम लोग वहाँ चले गए थे। तो चलो अभी आप लोगों के साथ मैं और वीडियो के पार्ट शेयर करूँगी, तो आप लोग खूब सारे लाइक दीजिएगा और खूब प्यार और सपेगा। और यहाँ पर मेरे देवर जी जो है वो पैपूजी कर रहे हैं, और अभी मैं आपको अपने कुछ और फैमिली मेम्बर से मिलवाऊँगी, जैसे जैसे जो कोई भी पैर पूजने आता जाएगा मैं आपको मिलाती जाऊँगी। तो अभी ये देवर जी हैं मेरे जो दादाजी हैं उनके बेटे हैं, और यहाँ पर हमारी जो सबसे बड़ी वाली मेरी बुआ सास हैं वो हैं, तो यहाँ पर बुआ जी हैं वो पैपूजी कर रही हैं। चलो अभी मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा विथ बेल आइकन। और मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग गाइज आद्या फैमिली चैनल। और आपने आद्या फैमिली चैनल को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही हमारे चैनल पर बनाए रखिएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।